हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक चटनी यानी कि लहसुन की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी और साथ ही साथ हेल्दी होती है। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप छिला हुआ लहसुन। मैं लहसुन के गांठ की मेजर नहीं बताऊँगी क्योंकि उसमें कली छोटी बड़ी होती है, इसलिए मैं छिले हुए लहसुन की मेजर बता रही हूँ। 1 कप छिला हुआ लहसुन। और मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा चटनी बनाने के लिए, तो 1/2 कप मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई ले ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया और नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ये मैंने ले ली है यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्चें, मीडियम साइज़ की है और क्वांटिटी में 25 है। 25 मीडियम साइज़ की सूखी हुई लाल मिर्च, इनको मैंने पानी में भिगा के रखा है 2 घंटे से। इनके मैंने आगे से डंठल निकाल लिए हैं लेकिन बीज नहीं निकाले हैं, तो ये 2 घंटे से भीगी हुई रखी है मैंने इनको। आप चाहें तो इनके बीज निकाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं निकाले क्योंकि चटनी थोड़ी चटपटी और तीखी अच्छी लगती है। तो ये 2 घंटे से भीग चुकी हैं, 2 घंटे से ज़्यादा भी भिगाना चाहें तो आप भिगा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे में मिर्ची जो है वो अच्छे से भीग जाती है। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना। ऑयल जब गरम हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम 1 कप छिली हुई लहसुन और हमें इसे हल्का सा सौते करना है कुछ सेकेंड तक, 20 से 25 सेकेंड के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सौते कर लेना है। फिर इसमें हम डाल देंगे हल्का सा सौते करने के बाद साबुत धनिया। धनिया आप ज़रूर से डालें, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें चटनी में। और अब इसमें हम डाल देंगे हुए भीगी हुई सूखी लाल मिर्च। पानी को फेंके नहीं, पानी को मैंने रखा है चटनी पीसने के लिए हम काम में लेंगे। तो कुछ सेकंड तक इनको भी हमें फ्राई कर लेना है, मिर्ची और लहसुन का जो कच्चापन निकल जाए इसलिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। 20 से 25 सेकंड के लिए फिर से मैंने इनको फ्राई किया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और एकदम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इस मिक्सचर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मिक्सी के जार में मैंने ये सब डाल दिया है और इसमें हम पानी सादा काम में नहीं लेंगे, जो हमने मिर्ची भिगा के रखी थी वो पानी मैंने रखा है स्टोर करके। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, सबसे पहले 1 टेबल स्पून और दूसरा और चम्मच 2 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ढक्कन लगाएंगे और एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। चटनी बनानी है हमें इसकी, अगर ज़रूरत पड़े बीच में तो आप इसमें और पानी ऐड करें। तो ये मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, एकदम बारीक पेस्ट आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी और ऐड किया था बीच में पीसने के टाइम, टोटल इसमें मैंने 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया है पीसने के लिए। तो चलिए अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। सेम कढ़ाई ले लें और इसके अंदर बाकी का ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे राई। राई को अच्छे से चटकने दें और फिर डाल देंगे इसमें जीरा। जीरे को भी अच्छे से भून लें और फिर इसके अंदर हम पीसी हुई जो चटनी है, लहसुन का पेस्ट है, लहसुन मिर्ची का, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, चटनी को लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक फ्राई कर लें। अच्छे से पका लेना है हमें चटनी को, लहसुन का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो हमें अच्छे से पकानी है चटनी को। 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा और पानी, जो जार में मैंने पीसा था चटनी को उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने फिर से वो मिर्ची वाला पानी डालकर इसे एक बार मिक्स कर लिया है जार में और वो पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है। फिर से इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
और इसमें अब नमक ऐड कर लूँगी 1.5 छोटी चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा नमक। वैसे इसमें हल्का सा तीखा नमक अच्छा लगेगा क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखनी है। और अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन। 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है। 7 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ और आप देख सकते हैं चटनी में से ऑयल जो है वो एकदम सेपरेट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। चटनी हमारी रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। हमें हल्की सी गाढ़ी चटनी रखनी थी और एकदम हल्की सी गाढ़ी ही है ये चटनी। एकदम इसे ठंडा करके हम काम में लेंगे तब ये हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे ठंडी होगी ये चटनी खाने में और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे हमें एकदम ठंडा करने के बाद में काम में लेना है। आप ऐसे ही गरम गरम खा सकते हैं रोटी के साथ, लेकिन स्टोर करने के लिए हमें इसे एकदम ठंडा करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे 2 से 3 महीने के लिए हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी को एकदम ठंडा कर लें और किसी जार में ट्रांसफ़र कर लें, कांच का या फिर प्लास्टिक का, स्टील में ना डालें। फ्रीज में आप इस चटनी को 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं और ज़्यादा स्टोर करना है तो डी फ्रीज यानी कि फ्रोज़न में आप इसे रखें। ढक्कन लगा कर 2 से 3 महीने के लिए जब भी काम में लेनी हो तो 2 घंटे पहले इसे बाहर निकालें और खाएं। आप इस चटनी को पराठों के साथ, सैंडविचेस के साथ, वड़ा पाव किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम चटपटी। और लहसुन हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी भी होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन से आपको मेरी रेसिपीज़ अपने आप ही मिलती रहेंगी।